sir, everybody, good morning. i'm krishna roble. basically mechanical engineer. i work 35 years in middle east. retired, come back home in nagpur. and you know that when indian food started taking food, spicy food, a lot of problems with acidity, piles, and a lot of problems. so one day i have seen this demo.

साठ साल का रिटायरमेंट होता है जनरली हमको रिटायर कर दिया गया घर पे आ गए यहाँ आने के बाद में यहाँ का जैसे खाने की जो हैबिट्स है हमारी उस कारण मुझे एसिडिटी का इतना प्रॉब्लम होने लगा कि जो प्रॉब्लम थर्टी फाइव ईयर्स नहीं थे पैंतीस साल नहीं थे वो यहाँ हो चालू हो गए पाँच छः महीने तक इतना प्रॉब्लम हुआ कि एक्चुअली डॉक्टर के पास जाके कंटिन्यूस मेडिसिन खाना रात में दो दो बजे तक अपना एसिडिटी के लिए हार्डनेस क्या वो बता नहीं सकते वो तकलीफ यानी ऐसा लगता था कि हम यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे डेमो देखा एक दिन जाके हमारे भाई ने बताया कि भैया ऐसी सी मशीन आई है ज़्यादा चेक कर लो गए चेक किया डेमो वगैरह देखने के बाद में इंप्रेस हो गए मिसेस ने बोला अपन ले ही लेते हैं मशीन खरीदी सर क्या बताए पहले दिन जब पानी पिया पानी पीने के बाद में जो डेली की तकलीफ़ थी तो वही तुरंत ख़त्म हो गई अच्छा मेरी ख़त्म नहीं हुई घर में जितने भी लोगों को प्रॉब्लम थी वो तो ख़त्म हो गई उसके बाद में एक महीना कंटिन्यूस जब हम पानी पिया तो हमारे डॉक्टर के पास की जो मेडिसिन है वो वैसी रही डॉक्टर सोच रहा था कि भैया आठ दिन के आठ दिन आने वाला आदमी आता कि उन्हें क्या बात है तो उसने फ़ोन किया मुझे बोलते सर वाट हैपन टू यू आर यू ऑल राइट और नॉट सर आई एम वेरी मच गुड एंड आई गॉट अ वन मैजिक वाटर हो वॉट दैट आई गॉट अ मैजिक मैटर यू कम एंड मैं आपको बताऊँगा घर आने के बाद तो उसके बाद में फिर जब आए घर पे वो पानी पिलाए क्या पानी है मैं बोला आप वो सब देख लीजिए बाद में लेकिन इसने मुझे इतना अच्छा कर दिया है कि मेरी जो एसिडिटी वो तो ख़त्म कर दिया और मेरा जो बाकी प्रॉब्लम था पाइल्स का और पेट का मैं बोला वो इतना ख़त्म हो गया है कि अभी आपकी दवा की जरूरत नहीं अब मुझे फैमिली में किसी को नहीं है मेरी मम्मी अस्सी साल की है उसके पाँव एक्जिमा था हमेशा वो मेडिसिन समझ सकते हो जब तक मेडिसिन लगाओ ठीक है बाद में जैसे थे अभी सर क्या बताए तीन साल से मशीन से यूज़ कर रहा हो एक्जिमा तो गया अब उसको कहीं पर भी खुजली होती है तो अपना स्प्रे लेते हैं मारते रहती है और बड़ी खुश है उसके पूरे बदन में दर्द होता था अभी कभी बोलती नहीं है कि बेटा इधर दर्द कर रहा उधर कर रहा है वो बोलते अरे बेटा जरा पानी पिला दे मेरे को कभी बोलती इलेवन पॉइंट फाइव दे दे कभी नाइन पॉइंट फाइव दे अभी ऐसा हो गया कि किसी ने कुछ भी बोला तो बोलते अरे बेटा उसको जरा वो पानी पिला दे तो ये ऐसी हाइबिट हो गई <laughs> कोविड के टाइम में तो हम लोगों ने पानी इतना दिया जैसे सर ने बताया था कि पानी दिया चाहिए बहुत लोगों ने पानी पिया और उससे उनका पी लेवल इतना हा रहा कि उनको बाकी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ नहीं सर मैं तो बोलता दिस इज़ रियली ए रियली मैजिक वाटर एंड हम लोग तो बहुत अच्छे हैं मिलियंस में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इतने नसीब वाले हैं कि हम इसका हम एडवांटेज ले रहे हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि ये सबको ऐसे स्प्रेड कीजिए टॉक टू एवरी और मेरा अभी तो हैबिट ये हो गया सर कि मुझे किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है लेकिन मैंने अभी क्या सोचा है कि पैसे मिले ना मिल लेकिन डेली सबके साथ बात करते रहो और इसके बारे में बताते रहो इसीलिए मैं आज देखना चाहता कि इधर आके और कुछ सीखने को मिले इधर आए आप लोगों से मिला थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन एस या। अभी मेरा 63 है सर सर मैं ड्राइव करके आया सर मेरा एक्सा लेके <laughs> सवेरे सात बजे निकले सर हम ड्राइव करते हुए रात को बारह